Hi guys, thank you for all your messages. It's been very kind and supportive. But at the moment, our country needs that support. T20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की टीम ने अपने टाइटल का ड्रॉट खत्म किया, लेकिन इसके साथ ही इस मुकाबले के बाद विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने के बाद रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहां पर रोहित शर्मा ने भी अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। रोहित शर्मा ने बताया है कि T20 फॉर्मेट से अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और विराट कोहली के साथ ही यहां पर उनका T20 करियर खत्म होता है। रोहित शर्मा ने कहा, भारत को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात थी। मेरी कप्तानी में भारत ने अभी तक कोई भी T20 या फिर वर्ल्ड कप का टाइटल नहीं जीता था। इवन एज अ प्लेयर भी मैंने कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो ये वर्ल्ड कप मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली ने ऐसे टाइम पर खुद को रिटायर होने का फैसला लिया है, तो ऐसे में मैं क्योंकि उनसे 2 साल बड़ा हूं, तो मेरे लिए भी बिल्कुल सही वक्त है कि अब हम यंगस्टर्स को टीम में आने का मौका दें। वैसे भी विराट और मैंने वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है, तो अब कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं है। कमेंट करके आप लोग बताना क्या आप लोग रोहित शर्मा और विराट को T20 फॉर्मेट में मिस करेंगे या फिर नहीं।